सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईरान और इसराइल के दरमियान एक डिटेल मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे, जिसमें इन दोनों मुमालिक की एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के बारे में डिटेल से बात की जाएगी। इसके अलावा देखेंगे कि इन दोनों मुमालिक में से किस मुल्क के पास ज्यादा जदीद और खतरनाक हथियार मौजूद है। तो सबसे पहले अगर आबादी की बात की जाए तो 2023 की अदादोशुमार के मुताबिक ईरान की इस वक्त टोटल आबादी 9 करोड़ के लगभग बनती है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की करंट पॉपुलेशन 92 लाख से ज्यादा बनती है। इसराइल अपने डिफेंस बजट पर 23.5 बिलियन US डॉलर खर्च करता है, जबकि दूसरी जानिब ईरान का डिफेंस बजट 24.6 बिलियन US डॉलर है। अगर इन दोनों ममालिक के रकबे की बात की जाए तो ईरान रकबे के लिहाज से दुनिया के 17 नंबर पर आता है, जबकि इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया के 149वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये तो थे इन दोनों ममालिक के बेसिक फैक्ट्स। अब एक नजर डालते हैं इन दोनों ममालिक की लैंड पावर के बारे में। सबसे पहले अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त ऑफिशियली तौर पर एक भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद 90 बताई जाती है। वाजह है कि ईरान खुफिया तौर पर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम जारी रखे हुए है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान के पास भी खुफिया तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। ईरान की आर्मी में इस वक्त टोटल मिलिट्री पर्सनल की तादाद 9,60,000 से ज्यादा बनती है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की टोटल पर्सनल की तादाद 6,38,000 है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल में ईरान के पास 6,10,000, जबकि इसराइल के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की तादाद 1,73,000 बनती है। रिजर्व पर्सनल्स में ईरान के पास 3,50,000, जबकि इसराइल के पास 4,65,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में ईरान के पास 90,000, जबकि इसराइल के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस में पर्सनल्स की तादाद सिर्फ 8,000 है। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर एक नजर दौड़ाई जाए जमीनी हथियारों पर तो इस वक्त ईरान के पास कॉम्बैट टैंक्स की तादाद 4,071 से ज्यादा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के पास जंगी टैंकों की तादाद सिर्फ 2200 है। टोटल आर्म्ड व्हीकल्स की तादाद ईरान के पास 70,000, जबकि इसराइल के पास टोटल आर्म्ड व्हीकल्स की तादाद 56,000 बनती है, जिनमें आर्मर्ड कैरियर्स की तादाद ईरान के पास 2460, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 5,835 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तादाद ईरान के पास 580, जबकि इसराइल के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की तादाद 650 है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तादाद ईरान के पास 829, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 300 से ज्यादा है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थी इन दोनों ममालिक की लैंड पावर। अब बात करते हैं इन दोनों ममालिक की एयर पावर के बारे में। तो ईरान की एयर फोर्स में इस वक्त टोटल एक्टिव पर्सनल्स की तादाद 45,000, जबकि इसराइल की एयर फोर्स में इस वक्त 90,000 एक्टिव पर्सनल्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद बात की जाए एयरक्राफ्ट्स की, तो ईरान के पास इस वक्त टोटल एयरक्राफ्ट्स की तादाद 541 है, जबकि इसराइल के पास इस वक्त टोटल एयरक्राफ्ट्स की तादाद 601 बनती है। अगर फाइटर्स और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो इनमें ईरान के पास 190, जबकि इसराइल के पास फाइटर और इंटरसेप्टर्स की तादाद 300 से ज्यादा बनती है। स्पेशल मिशन के लिए फाइटर जेट्स की तादाद ईरान के पास 9, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 23 है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट में ईरान के पास 94, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 150 है। इसके अलावा ईरान के पास 86 की तादाद में ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद सिर्फ 17 है। अगर एयर रिफ्यूलर या फिर टैंकर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इनकी तादाद ईरान के पास 7, जबकि इसराइल के पास एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की तादाद 11 बनती है। वाजह है कि एयर रिफ्यूलर टैंकर वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि जंगी तैयारों को हवा में ही रिफ्यूल यानी कि पेट्रोल की कमी को पूरा करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर्स की, तो ईरान के पास हेलीकॉप्टर्स की टोटल तादाद 126, जबकि इसराइल के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 128 है।
जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद ईरान के पास 12 और इसराइल के पास 48 की तादाद में अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो ईरान के पास ड्रोन्स की टोटल तादाद 960 जबकि इसराइल के पास 1000 के करीब UAVs मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, अब अगर एक नज़र दौड़ाई जाए इन दोनों ममालिक की नेवल पावर के बारे में तो ईरान की नेवी में इस वक्त टोटल 20,000 नेवल पर्सनल्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की नेवी में भी इस वक्त एक्टिव नेवल पर्सनल्स की तादाद 20,000 बनती है। यानी कि नेवल पावर में पर्सनल्स की तादाद इन दोनों ममालिक की एक दूसरे के बराबर है। अब अगर एसेट्स की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त टोटल नेवी एसेट्स 101 जबकि इसराइल के पास टोटल एसेट्स की तादाद 67 है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन दोनों ममालिक के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स की अगर बात की जाए तो इन दोनों ममालिक के पास डिस्ट्रॉयर्स की तादाद भी 00 है। इसके बाद बारी आती है फ्रीगेट्स की, तो फ्रीगेट्स की तादाद ईरान के पास 7 जबकि इसराइल के पास एक भी फ्रीगेट नहीं है। कॉर्वेट्स की तादाद ईरान के पास 3 जबकि इसराइल के पास इनकी तादाद 7 है। सबमरीन्स में ईरान के पास 19 सबमरीन्स मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के पास इनकी तादाद सिर्फ 5 है। तो प्यारे दोस्तों, ये था इन दोनों ममालिक के दरमियान एक डिटेल मिलिट्री कंपैरिजन। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसके बाद आप लोग किन ममालिक के दरमियान कंपैरिजन की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।